पश्चिम बंगाल में पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में संग्राम जारी है। पिछले हफ्ते हुई पुलिस फायरिंग के दौरान कुछ छात्रों की मौत के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल बंद बुलाया है। बीजेपी ने आज 12 घंटे का बंद बुलाया है। बुधवार सुबह ही पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले के नादनघाट क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेल रोक दी। इस दौरान कई गाड़ियों को रोक दिया गया था। बीजेपी के बंद को देखते हुए राज्य सरकार ने सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता कर दिए हैं। कुछ बिहार में बंद समर्थकों ने सरकारी बसों को तोड़ दिया। कई जगहों पर ट्रेन को भी रोक दिया गया। साथ ही सरकारी बसों में आग तक लगा दी गई और मिदनापुर में एक सरकारी बस तक को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने अपने एक बयान में कहा, राज्य सरकार ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है, इसी के खिलाफ हमने बंद बुलाया है। हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, इसलिए हम ये बंद 12 घंटे तक करने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तरी दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के दारीभीत गांव में आईटीआई के छात्र राजेश सरकार और थर्ड ईयर के कॉलेज छात्र तपस बर्मन की मौत के विरोध में बीजेपी ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद का आह्वान किया है।